अस्सलामुअलैकुम डी ग्रैनी चैनल की तरफ से फर्ज का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं एक रेसिपी लेके आ रही हूँ जो कि मुझे लगता है कि बच्चे पसंद करेंगे। मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगती है, खट्टी मीठी सी। हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज जेली, जो कि टुकड़ियों की सूरत में हम बनाएंगे। तो इसमें जो लवाजमात हैं वो हैं ऑरेंज जूस, मैंने एक कप जूस लिया, और थोड़ा सा इसमें 2-3 टेबलस्पून जितना और है ये जो मैं शामिल कर दूँगी पैन के अंदर। ये मैंने किनो और माल्टा मिक्स करके बनाया ताकि उसका जायका ज़रा खट्टा मीठा सा हो। इसमें अब आप चखने, इसको चख लें, अगर आपको ज़्यादा खटास लगती है तो उसके मुताबिक आप चीनी डालें। मैंने 1 टेबलस्पून चीनी ली है, यही मेजरिंग वाला टेबलस्पून, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा खटास नहीं थी तो मुझे 1 टेबलस्पून ही काफ़ी है। फिर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है इस मेजरमेंट टेबलस्पून के साथ, तो ये 1.5 है, ये जैसे आधा है तो ये वाला जो है ये मैंने पूरा लिया, तो 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। फिर एक डिश ले लें कोई सी भी जिसके अंदर आपने इसको जमाना है, हमने बेक नहीं करना, हमने इसको फ्रिज के अंदर रख के जमाना है। तो मैंने इसको ऑयल जो है वो मैंने इसको सारे डिश के ऊपर फैला दिया है ब्रश के साथ। तो इसको अब हम चूल्हे के ऊपर अपना पैन रखते हैं और अपना जो जूस है उसको इसके अंदर शामिल करते हैं। साथ में ही हम इसके 1 टेबलस्पून चीनी और 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को मिक्स करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। विस्क के साथ खूब अच्छा सा घुमा लें शुरू शुरू में ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। हम इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे, जैसे कि जब हम कस्टर्ड बनाते हैं तो वो विस्क के साथ लग जाता है, तो ये भी जब लगना शुरू होगा तो फिर हम, और थोड़ा सा ग्लेज आ जाएगा तो फिर हम इसको उतार कर डिश में डाल देंगे। ये कभी जब घर पे उस तरह की कोई ऐसी चीज़ ना हो और दिल चाह रहा हो कि कुछ इस तरह की चीज़ खाएं, खट्टी मीठी, और फिर आजकल जैसे सर्दियों में ख़ासतौर पे महसूस हो रहा होता है कुछ खाने के लिए बेवक्त भूख के लिए, तो ये एक आध टुकड़ा अगर खा लें तो चलें, कम से कम ये है कि ये जूस है, कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं, तो ये हम ले सकते हैं, इसको कंज्यूम कर सकते हैं। देखिएगा कि ये गाढ़े होने की तरफ अब हमारा स्टेज आ गई है जिस पर ये गाढ़ा हो रहा है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बल्कि ये देखिएगा कि ये इसके ऊपर अब जिसके ऊपर चिपक रहा है, तो बस अब हम इसको आधा मिनट और पका के इसको उतार लेंगे। वैसे भी आप देखेंगे कि जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये बबल से उठना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज के ऊपर आप इसको उतार कर अपने डिश के अंदर डाल दीजिए, और थोड़ा ठंडा होने पर डिश को फ्रिज के अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे तक इसको अपना सेट होने दें, और फिर हम निकाल के इसकी टुकड़ियां करेंगे। तो चलें आए हम डिश में डालते हैं। तो ये हम अपनी जो ऑयल किया हुआ था जिसको डिश को हमने उसके अंदर इसको पोर कर लेंगे, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसको फ्रिज के अंदर 4 से 5 घंटे के दरमियान में आप इसको फिर चेक कर सकते हैं, जब ये सेट हो जाए तो आप निकालेंगे। फिर हम टुकड़ियां करेंगे, और अपना जो डेसी केटेड कोकोनट होता है हम उसके अंदर इसको रैप करेंगे। तो ये यकीनन आपको पसंद आएगी, बच्चों को ख़ास तौर पे। तो चलें जी 4 घंटे के बाद मिलते हैं। हमारी जेली जो है वो सेट हो गई है ऑरेंज जेली, ये देखिए मैंने कट्स लगा लिए हैं, अब मैं इनको अलग करूँगी। अभी वैसे मुझे इसको सिर्फ 2 घंटे हुए थे, 2-2.5 घंटे,
तो मुझे लगा कि मैं ज़रा खाऊँ इसको, तो इसको मेरा ख्याल है कि हमें आधा पौना घंटे के लिए और इसको करना चाहिए ताकि ये बिल्कुल सही से सेट हो जाए। लेकिन चलें ट्राई करते हैं इसका जायका और मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम कोकोनट के अंदर इसको कोट कर रहे हैं। इसको मैं ज़रा जल्दी में निकाल बैठी हूँ, अभी भी खैर सेट हो गई हैं लेकिन इसे मज़ीद एक घंटा और चाहिए कि ये अच्छी तरह मुकम्मल तौर पे सेट हो जाए। हम थोड़ी सी और काट लेते हैं। अब ये देखिएगा कि 3, 6, 8 पीस ये वाले बने हैं जबकि आधी से ज़्यादा अभी इसके अंदर है। तो मैं और क्यूब्स निकालती हूँ और उन्हें भी कोट करती हूँ। देखिए हमारी जो ऑरेंज जेली है वो तैयार है। इंजॉय करें, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।